हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन करंट अफेयर और जीके की वजह से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो रेलवे के लिए रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हैं 1 लाख से ऊपर, तो इनके लिए जो करंट अफेयर का और जीके का पोर्शन रहेगा वो मैं आपको इस सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। तो यदि आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जीके और जीएस का जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इस सीरीज में के जो 60 लेक्चर रहेंगे, 60 लेक्चर में डालूंगा 10-10-15 मिनट के, तो आपको देखने में भी आसानी होगी और आपको पूरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी का करंट अफेयर सीरीज का टॉपिक 1 आज हम पढ़ते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है मिशन शक्ति। तो इस एक वीडियो में हम मिशन शक्ति के बारे में सब कुछ जान लेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि जो मिशन शक्ति क्या है। मिशन शक्ति, भारत ने अभी अभी परमाणु परीक्षण किया है। इस परमाणु परीक्षण के जरिए मिसाइल के द्वारा सैटेलाइट को मार गिराया गया, और भारत ने ऐसा पहली बार किया है। जो सैटेलाइट थी वो उसकी जो रफ्तार थी 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट जा रही थी, और इसने जो मिसाइल ने उस सैटेलाइट को मार गिराया, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके पहले ऐसा कारनामा पूरे विश्व में केवल 3 देशों ने किए थे। उन देशों के नाम है चीन, रूस और अमेरिका। ये आपको नीचे दिख रहे होंगे कि ऐसा करने वाला भारत बना विश्व का चौथा देश। इसके पहले कौन से देश हैं? चीन, रूस, अमेरिका, ये ऐसा कर चुके हैं। मिशन शक्ति परीक्षण 27 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। यह परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो मिशन शक्ति नाम का जो परीक्षण हुआ है अभी अभी हाल ही में, ये कब हुआ था, तो जस्ट अभी 27 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। ये कहाँ से हुआ है और कौन सा स्थान है, तो आपको मालूम है जो उड़ीसा का हुईलर द्वीप था पहले, इस द्वीप का नाम चेंज होके हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तो उड़ीसा से हुआ है यह संबंध, और उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से संपन्न हुआ है मिशन शक्ति। और कब संपन्न हुआ था? 27 मार्च 2019 को संपन्न हुआ है ये। तो इस परीक्षण को संपन्न करने का श्रेय जाता है DRDO तथा इसरो। दोस्तों, जैसे कि यहाँ मिशन शक्ति है, वैसे ही भारत पहले भी एक परमाणु परीक्षण कर चुका है, और जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के बारे में आपको बस इतने पॉइंट जानना है कि जो ऑपरेशन शक्ति क्या है, तो ये पहला परमाणु परीक्षण का नाम था भारत में। इसका जो रियल नाम था वो था मुस्कुराते बुद्ध, लेकिन इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से कब संपन्न हुआ था? 18 मई 1974 में यह संपन्न हुआ था। इसका स्थान कौन सा था, कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में। बहुत सारे परमाणु परीक्षण होते रहते हैं यहाँ पर, कहां पर? राजस्थान के पोखरण में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और जो समिति बनाई गई थी इस ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजा रमन्ना, और इनकी समिति के अंदर ही APJ अब्दुल कलाम भी थे। तो आपको ये जो ऑपरेशन शक्ति है, तो पुराना जीके का टॉपिक है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, उसका नाम क्या था, कहां पर संपन्न हुआ था, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ था, मुस्कुराते बुद्ध इसका नाम था, और यहाँ पर 18 मई 1974 में संपन्न हुआ था। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट है मिशन शक्ति। तो इसको ध्यान रखना बिल्कुल कि मिशन शक्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, यदि आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और मैं इतने इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत कि आपको जरूर इस एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको जो आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन पर क्लिक कर लेना।